हमने सबसे पहले ये अपना ट्रैक्टर जो है इसको इस्तेमाल करने के लिए, मतलब कोरोना के लिए, कोरोना की महामारी के लिए इसको ट्रैक्टर को हमने इस्तेमाल कर रहे हैं। हम इसमें सबसे पहले हमने इस टैंकर को जोड़ा, टैंकर को जोड़ने के बाद इसके साथ हमने जनरेटर फिट किया। जनरेटर, इस जनरेटर से हमारा टुल्लू पंप, बल्कि दो या तीन टुल्लू पंप चल सकते हैं। अगर ये टीम ज़्यादा हो या गाँव ज़्यादा हो तो इसके साथ तीन टुल्लू पंप भी काम कर सकते हैं। तो तीन टुल्लू पंप मतलब कि एक घंटे में लगभग 150 घर को मतलब आराम से स्प्रे कर सकते हैं। इसको जनरेटर को लगाने के बाद हमने इस टैंकर को पानी से भरा। पानी में भरने के बाद इसके अंदर हमने सैनिटाइजर की तीन कैनियाँ डाली, 5-5 लीटर की, जिससे हमारा ये सोल्यूशन जो बिल्कुल प्रॉपर तैयार हो गया। उसके बाद हमने चेक किया, चेक करने के बाद हमने ये देखा कि इसकी जो क्वांटिटी चाहिए सोल्यूशन की और पानी की वो ठीक हो गई। अब हमने ये टुल्लू पंप इसके ऊपर हमने फिट किया है। ये टुल्लू पंप, इस टुल्लू पंप को हमने कनेक्टेड किया इस जनरेटर के साथ। जनरेटर के साथ कनेक्टेड करने से क्या, इस पर करंट आ गया। करंट आने के बाद हमने टुल्लू पंप के साथ, जैसे कि हम घर में यूज करते हैं पाइप, वैसे हमने एक पाइप ली और एक सर्विस स्टेशन से हमने, सर्विस स्टेशन जैसे गाड़ियां धोने के लिए हमने जैसे घर में यूज करते हैं कुछ करते हैं, इसको हमने इस पाइप के साथ यूज किया, लगाया इसके साथ। अब जैसे कि आप देखेंगे अभी आपके सामने, मैं इसको ऑन करूंगा। जैसे इसके ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद इसमें इतनी फुहार है कि मतलब काफी दूर तक जो आप स्प्रे कर सकते हैं और खुला स्प्रे कर सकते हैं। मतलब अब आप देखते रहे ना, अब अगर आप थोड़ा नजदीक करना चाहते हैं तो आप फुहारा बना सकते हैं। अगर आपकी पहुंच मतलब चाहिए कि हम दूर करना है तो हम ऐसे यूज कर सकते हैं इसको। ऐसे यूज करने से हमारा जो पानी का मतलब प्रेशर है लगभग 15 मीटर तक जो है हम एक जगह से खड़े होकर स्प्रे कर सकते हैं 15 मीटर तक। ऐसे हमने इसको चलाया है। मैं अश्विनी चंद कटोच, ग्राम पंचायत मालग उपप्रधान, और इससे पहले जो कार्यकाल था उसमें प्रधान रह चुका हूं। मैंने ये एक कंसेप्ट मेरे दिमाग में तब आया जैसे इस महामारी का दौर चला। इस दौर में हर कोई पंचायत का प्रतिनिधि कोई पंप खरीद रहा है, कोई किसी से ले रहा है, और किसी को हम बोल रहे हैं कि हमारे लिए कोई बंदा दो, बंदा उसके कंधे के ऊपर हम पंप को रख रहे हैं, उसके बाद सैनिटाइज कर रहे हैं। लेकिन मैंने ये सोचा ये इस चीज का हल कैसे हो सकता है कि हमारे गांव जो है अच्छी तरह सैनिटाइज हो जाए। ये तो सिर्फ हमारा जो अंदर है या दरवाजा है, खिड़की है, उसको सैनिटाइज करने के लिए हुआ पंप जो है, मतलब इसका असली महत्व नहीं हुआ, मतलब जैसे गलियां चौराहे को करने के लिए। फिर दिमाग में मेरे में आया क्यों नहीं हम मतलब अच्छी क्वांटिटी में पानी लेकर फिर उसको जैसे स्प्रे हो, जैसे हमारी मोटर का स्प्रे होता है। पहले मेरे दिमाग में आया कि सर्विस स्टेशन वालों से बात करते हैं और उनसे हम कंप्रेसर लेते हैं। कंप्रेसर लेने के बाद फिर कंप्रेसर को कैसे जोड़ के फिर उसके बाद हम स्प्रे करेंगे, तो उसमें क्या होगा काफी स्केल में जो है हमारा पानी जो है सैनिटाइज होगा, मतलब काफी एरिया सैनिटाइज हो जाएगा। फिर उसके बाद मैंने एक प्रैक्टिकल किया कि उसको लेने की बजाय हम जनरेटर फिट करके टुल्लू पंप के आगे हम अगर सर्विस स्टेशन वाला जो पंप है उसको यूज करें तो कैसा लगेगा। फिर मैंने वैसे किया और वो मेरा कंसेप्ट बिल्कुल पास हो गया और ऐसे मैंने गांव में सैनिटाइज करने शुरू कर दिया। मालक पंचायत में हमने लगभग 100 घर के करीब तो परसों किए थे, 20-25 घर कल किए थे। कल थोड़ा समय की थोड़ी दिक्कत थी और आज हम लगभग 120 घर जो है इस वक्त तक कर चुके हैं और अभी तक शाम तक काफी समय था। अभी एक गांव पूरा बाकी पड़ा हुआ है और वो भी हो जाएगा लगभग 2 दिन में। हमारी पंचायत जो लगभग पूरी सैनिटाइज हो जाएगी। पंचायत तो सैनिटाइज होगी लेकिन उसके जैसे पशुशाला है या छोटे मोटे रास्ते हैं वगैरह वगैरह, ये सब सैनिटाइज।